एसटीएफ का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीजी एसटीएफ अमिताभ यशी है। सर, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है स्थापना दिवस पे, क्या लक्ष्य था? हम लोग चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करें। हमारा 25 ग्लोरियस ईयर्स जो हैं हमारे हो गए हैं, बहुत ही सफल ईयर्स रहे हैं, और इनको इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम सभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हम और हमारी उम्मीद है कि आप सब लोग भी रक्तदान बंधु भी करेंगे। आगे 10 साल तक आप एसटीएफ को कितना आगे ले जाएंगे और क्या लक्ष्य बनाकर एसटीएफ में आप काम कर रहे हैं? हमें उम्मीद है कि एसटीएफ आज से बहुत ज़्यादा वेल स्किल्ड होगी, साइबर क्राइम में भी, और नए नए टूल्स जो हैं जो दुनिया भर में डेवलप हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स, बिग डेटा एनालिसिस, इन सब का इस्तेमाल करेंगे हम अपराध को क्रैक करने में, प्रेडिक्ट करने में। सर, एसटीएफ जब से आपने ज्वाइन किया है कितना बदलाव हो चुका है अभी और तब में? 25 साल हो चुके हैं क्योंकि एसटीएफ लगातार अपने आप को टेक सावी और वेपन्स के मामले में अपग्रेड करती रहती है, कम्युनिकेशन के मामले में अपग्रेड करती रहती है, तो और साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाती रहती है, तो और इसी कारण से एसटीएफ लगातार सफलता की सफल होती रही है। तो ये थे एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश, जिन्होंने बताया कि एसटीएफ के स्थापना दिवस पे एसटीएफ लगातार सभी लोग ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल होंगे। कैमरामैन सरबजीत के साथ मैं वर्षा शाही, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।